और अब साथ में वापस टाटा पावर को भी देख लें, फिर तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा बेहतर हो पाएगा। टाटा पावर अभी बहुत लंबे कंसोलिडेशन में है, इसमें क्या व्यू लेंगे पता ही नहीं, मतलब डायरेक्शन नहीं समझ में आएगा, सब कुछ सारी दुनिया एक ही जगह पे है, यहाँ पे घूम रही है। तो टाटा पावर का स्ट्रेंथ रीगेन करना मुझे नहीं लगता कि 250 के पहले वैसा स्ट्रेंथ को रीगेन करेगा, मैक्सिमम ये रेंज बाउंड रहेगा। इनके लिए एक राहत की बात यही है कि हमारे पास 190 और 190 के ऊपर हमारे पास 210 का एक हायर लो है। एज लॉन्ग एज ये रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये हायर लो खत्म हो जाता है, मतलब जब तक ये बेस 210 वाला बेस नहीं टूटता है, ये हायर लो को ट्रेड कर सकते हैं और 250 तक की ट्रेडिंग की जा सकती है। लेकिन अगर 210 के नीचे क्लोज हुआ तो हायर लो की थियरी फिर खत्म हो जाएगी। जी, जिस तरह का ये चार्ट बना हुआ है सोमेश, मुझे लगता है कि ये शायद टेक्निकल एनालिसिस के जो टेक्स्ट बुक हैं, टेक्स्ट बुक नहीं बल्कि क्वेश्चन पेपर्स जो होते होंगे, मतलब परीक्षा पास करने के लिए जो पर्चा बनता है, उसमें इस चार्ट को रखना चाहिए कि भैया इसमें ट्रेड खोज के बताओ और उसके बाद फिर आप परीक्षा पास करो। नहीं, ट्रेड तो खोज लेंगे, ट्रेड खोजने के लिए फिर ये है कि इंट्राडे इंट्राडे चार्ट ले लेंगे, हाँ, इंट्राडे चार्ट अब तो बन जाएगा, लेकिन पोजिशनल लॉन्ग टर्म ये सब नहीं बनेगा। जी बिल्कुल, अब हम लोगों की नज़र तो उसी हिसाब से चलती है ना कि भाई सीधे देखो 6 महीने में क्या कहानी बन रही है। तो बस 6 महीने वाली कहानी इसमें खोज ले कोई, तो फिर मतलब उसको डिस्टिंक्शन के साथ आगे कहा जा सकता है कि हाँ आप टेक्निकल एनालिसिस में पास हो गए। तो फिलहाल टाटा पावर असमंजस में है, अदानी पावर वहाँ पर आपको बता दिया गया कि क्या स्थिति है, मतलब थोड़ा एक कंसोलिडेशन है, लेकिन साथ में अगर कितना आपने बताया था, 360, 360 कम से कम बंद हो उसके बाद। जी तो इसका ध्यान रखिए, और फिलहाल टाटा पावर में लंबी अवधि के लिहाज से शायद नज़रिया बनाना मुश्किल होगा, लेकिन अदानी पावर में ट्रेंड को राइड करने के लिहाज से अगर आप सोचें तो 360 के ऊपर जब बंद हो तब फिर उसे वापस अपनी बाय लिस्ट में ला सकते हैं, लेकिन वो भी ट्रेंड राइड करने के लिहाज से, मतलब लंबे अवधि के निवेश के नज़रिए से कितना उसको चुना जा सकेगा सोमेश, उसके लिए तो फिर फंडामेंटल्स में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर शायद इस सेक्टर में अभी कोई बुनियादी नज़रिया लेना बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, मुश्किल होगा, लेकिन आप जब उधर बात कर रहे थे तो मैं बीएससी पावर का चार्ट भी देख रहा था। जी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ये सेकंड टाइम टेस्ट करने जा रहा है अपने 200 डीएमए को, तो या तो आर है या पार है, मतलब या तो यहाँ से इसका बॉटम है या फ्रेश जी डाउनसाइड की शुरुआत है, तो ये डिसीजन यहाँ पे किसी भी तरीके से नहीं होने वाला है, ये वेट एंड वॉच में ही जाना।